इस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488568698 9234623333। जीएस न्यूज चैनल पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज 24वां सवाल। किस राज्य में बंदरों को एक वर्ष के लिए हिंसक जानवर घोषित कर दिया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या डी अरुणाचल प्रदेश। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल के प्रतियोगिता में आप सबसे पहले जवाब दे सकें। भागलपुर पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी में एक होटल से दो लड़की और दो लड़के आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार। भागलपुर ततारपुर थाना क्षेत्र के जब्बारचक चौक के समीप होटल ग्लोरी में ततारपुर थाना और कोतवाली थाना की पुलिस ने सिटी डीएसपी राजवंत सिंह के नेतृत्व में संयुक्त रूप से ताबड़तोड़ छापेमारी की है। वहीं इस दौरान होटल के कमरे से पुलिस ने दो लड़की और दो लड़के को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में सिटी डीएसपी ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। सिटी डीएसपी ने जांचोपरांत जल्द पूरे मामले का उद्भेदन करने की बात कही है। ग्लोरी होटल के बारे में कि कुछ गलत कार्य हो रहा है, इसका सत्यापन कर रहे हैं हम, इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। दो लोग, दो लड़के दो लड़की पाए गए हैं, देख लेते हैं हम लोग कि ये कौन लोग हैं। सत्यापन के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है सर? अब हम लोग कोई अंदाज नहीं लगाएंगे, आपके सामने सारी कार्रवाई है, इसका सत्यापन करेंगे हम लोग, ठीक है, जो कानून सम्मत होगा वही करेंगे। किस तरह की चीज़ें बरामद हुई है सर वहाँ से? अभी तो हम लोग रेड कर ही रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ आ गए, तो बस दोनों को अभी ले जा रहे हैं हम लोग, अभी और कोई बरामदगी नहीं है। विक्रमशिला सेतु के अप्रोच रोड पर कलवलिया धार के पास जारी है रिसाव, बचाव कार्य जारी। नौगछिया प्रखंड के विक्रमशिला सेतु के पहुंच पथ की सहायक सड़क तेतरी दुर्गा स्थान जाह्नवी चौक 14 नंबर सड़क पर तेतरी कलवलिया धार के पास रिसाव रविवार को भी जारी था। रिसाव को रोकने के लिए क्षतिग्रस्त स्थल पर मिट्टी और बालू देने का कार्य किया जा रहा है। दूसरी तरफ कलवलिया धार का पानी बड़ी तेजी से विक्रमशिला सेतु के अप्रोच पथ की ओर फैल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अभी कलवलिया धार में अच्छी तरह से गंगा का पानी उतरा नहीं है। जब अभी रिसाव को रोकने में पथ निर्माण विभाग सक्षम है तो आए दिन जब जलस्तर का दबाव बढ़ेगा तो स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी। राजद का वर्चुअल बैठक हुआ आयोजित। राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश की ओर से रविवार को दोपहर 12:30 बजे से वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, जिसमें नौगछिया इकाई की ओर से जिलाध्यक्ष अलख निरंजन पासवान, जिला प्रधान महासचिव संजय मंडल एवं जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा ने बैठक में भाग लिया। बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, प्रदेश के प्रधान महासचिव आलोक मेहता ने बैठक को संबोधित किया। नौगछिया के गोपालपुर में कारगिल विजय दिवस पर कारगिल शहीद रतन सिंह की समाधि पर किया गया पुष्प अर्पित। कारगिल विजय दिवस के मौके पर गोपालपुर थाना क्षेत्र के 83 निवासी कारगिल शहीद रतन सिंह की समाधि पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर भाजपा नेताओं ने उनकी समाधि पर पुष्प चढ़ाए। कारगिल विजय दिवस पर वीर शहीदों के याद में किया गया पौधारोपण। कारगिल विजय दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा नौगछिया के कार्यकर्ताओं द्वारा कारगिल शहीदों के याद में एवं 21वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पौधारोपण किया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला प्रवक्ता प्रभु प्रिंस महतो ने बताया कि शहीदों की याद में रविवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एकत्रित होकर गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत सुकटिया पंचायत के 83 गाँव में कारगिल शहीद हवलदार रतन सिंह के समाधि स्थल पर पहुंचे, जहाँ उन्होंने सामाजिक दूरी बनाते हुए स्मारक पर पुष्प अर्पित किया और वन विभाग भागलपुर द्वारा उपलब्ध 100 फलदार एवं छायादार पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष रूपेश रूप, जिला उपाध्यक्ष सूरज झा, अश्वनी कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA सहित नर्सिंग कोर्स में लें निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप, नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8228-9569-05, 8873-9736-80। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ,
आप घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371 1787 7325052437 पर और मार्ट ऑनलाइन मार्केट। कदवा दियारा के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, शौचालय व पानी की समस्या। कदवा दियारा पंचायत के कोसी नदी के भूतनाथ बांध के टूट जाने के बाद कोसी नदी का पानी कदवा दियारा इलाके में तेजी से फैल रहा है। कोसी नदी के बाढ़ का पानी लोगों के घर में प्रवेश कर गया है। पंचायत के ठाकुर जी कचहरी टोला के दर्जनों लोगों के घर बाढ़ की चपेट में आ गया है। वहीं लोगों को शौचालय व चापाकल की काफी दिक्कत हो रही है, जिससे काफी परेशानी बढ़ती जा रही है। लोग दूषित पानी पीने व खुले में शौच जाने को विवश हैं। भारतीय कम्युनिस्ट ने कदवा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया भ्रमण। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य परिषद सदस्य सीताराम राय ने कदवा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ठाकुर जी कचहरी टोला के भूतनाथ स्थान समीप टूटे कोसी बांध, भरोसा सिंह टोला, बगड़ी टोला, कासिमपुर जंगली टोला व नंद ग्राम कदवा के गांव का भ्रमण कर वहां के लोगों की समस्याओं को देखा। भ्रमण के दौरान सीताराम राय ने बाढ़ से प्रभावित हुए किसानों की समस्या पर गहरी चिंता जाहिर की। नारायणपुर के भवानीपुर ओपी में 3 पुलिस पदाधिकारी की तैनाती। नारायणपुर के भवानीपुर ओपी में पुलिस पदाधिकारी को कोरोना संक्रमित होने पर पुलिस लाइन नौगछिया से 3 पुलिस पदाधिकारी राघव कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह, अखिलेश कुमार राय को तैनात किया गया है। उक्त जानकारी भवानीपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने दी। पान मसाला व गुटखा लोड ट्रक लूट कांड का हुआ उद्भेदन। नवगछिया थाना क्षेत्र के खरीक टोल प्लाजा माधतपुर के पास 22 जुलाई को अपराधियों द्वारा गुटखा व पान मसाला लदी ट्रक के लूट कांड उद्भेदन नवगछिया पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में लूट हुई ट्रक, गुटखा व पान मसाला को भी बरामद कर लिया है। लूट कांड में गिरफ्तार हुए अपराधी में परबत्ता थाना क्षेत्र के जमुनिया निवासी मोहम्मद इमरान शेख, मिथिलेश कुमार नौगछिया थाना क्षेत्र के श्रीपुर निवासी प्रमोद भगत, रंगरा ओपी के मदरोनी निवासी, वर्तमान पता नौगछिया राजेंद्र कॉलोनी निवासी साजन सिंह उर्फ मोनु शामिल है। नवगछिया नगर पंचायत के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि का निधन। नवगछिया उजानी वार्ड 7 की मुख्य पार्षद बी मंजी खातून के पति व पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद अंजार आलम का रविवार को इंतकाल हो गया। वे कई दिनों से बीमार चल रहे थे। मोहम्मद अंजार के आकस्मिक निधन होने पर नवगछिया नगर पंचायत के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि सह समाज सेवी प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव, नगर पंचायत उपाध्यक्ष अभिषेक रमन उर्फ टी एन यादव, ताइक्वांडो खिलाड़ी नाजिम खान, आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव, दानिश खान ने शोक संवेदना व्यक्त की है। नवगछिया में मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा शोक सभा आयोजित। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के निवर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष विनोद कुमार तोंदी के पिताजी द्वारका प्रसाद तोंदी के आकस्मिक निधन पर नवगछिया शाखा में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नवगछिया शाखा के अध्यक्ष दिनेश सराफ ने किया। मौके पर सचिव विनोद केजरीवाल ने उनके निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि यह समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। वहीं शोक सभा में दयाराम चौधरी, विश्वनाथ यादुका, सह सचिव संतोष यादुका, कोषाध्यक्ष प्रमोद केडिया, मीडिया प्रभारी अशोक केडिया सहित कई अन्य उपस्थित थे। बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, वीआईपी, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8954855586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना।